नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको आगे तमाम बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की बताने वाले हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे। जतिन त्रिवेदी हैं हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से, साथ ही अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, और तरुण ससंगी हैं ओरिगो ही मंडी से, और साथ ही हमारे साथ अश्विन नायक होंगे जो फेडरेशन ऑफ स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स के फाउंडिंग चेयरमैन हैं। उनसे भी बात होगी मसालों को लेकर, जीरा हल्दी पर बात, जीरा और धनिया पर बात करेंगे कि ग्राउंड को लेकर क्या स्थिति है, अब क्या वहां पर लग रहा है, किस तरह की रिपोर्ट है उत्पादन को लेकर और आगे क्या करना चाहिए वहां पर, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको फटाफट से टॉप 10 खबरें बता देते हैं, मार्केट का रुख कर लेते हैं, हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले बात आज करेंगे क्रूड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट की, जिसकी शुरुआत आज से एमसीएक्स पर करीब करीब 3 साल के बाद फिर से हो गई है, और आज अप्रैल के वायदा को अगर आप देखेंगे तो 6475 के आसपास है और छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, 10 बैरल का यहां पर ट्रेडिंग यूनिट है। अमित जी, क्या लग रहा है, किस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद है, और अब तक क्लाइंट को आप लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं क्रूड मिनी में ट्रेड करने के लिए? अमित जी, आपसे मेरा सवाल था। आवाज आ रही है? जी। ओके, या नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि लगभग 3-3.5 साल बाद फ्यूचर्स में वॉल्यूम जो है एक्टिविटी बढ़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शंस को ज्यादा इंपैक्ट करेगा, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडर्स जो है वो एक अलग सेगमेंट हो चुका है। लेकिन जो लोग क्रूड की वॉलेटिलिटी के चलते बड़े क्रूड में पोजिशंस नहीं बना पाते थे और बड़े व्यू प्ले नहीं कर पाते थे, हो सकता है कि वो मिनी की तरफ आकर्षित हों, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट डेफिनेटली है। हाँ, हो सकता है कि जो न्यू एंट्रेंट्स है, जो न्यू क्लाइंट्स है, उनको थोड़ा सा समय लगे इसको पिकअप करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत अच्छी हुई है। जहां तक हमने देखा कि बेस मेटल्स में भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट वापस लौटे हैं, तो जो लोअर मार्जिन प्लेयर्स हैं, जो समझ लीजिए 50,000 से 1 लाख के बीच या उससे भी कम जो एक मार्जिन लेके आते हैं कमोडिटी मार्केट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा और एक व्यू प्ले आउट करने का जो एक मौका है वो डेफिनेटली पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। छोटे ट्रेडर्स जिनको क्रूड मिनी में जिनकी दिलचस्पी है, अगर ऑप्शंस में नहीं ट्रेड करना चाह रहे, टाइम डिके की वजह से डर लगता होगी प्रीमियम के वैल्यू रोड होंगे, तो उनके लिए मिनी का ऑप्शन आ गया, 10 बैरल का ट्रेडिंग यूनिट है। क्रूड को लेकर आज इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए हमें जी, कोई सलाह, कोई ऑप्शन में भी अगर कोई ट्रेड हो, अगर बेस कॉन्ट्रैक्ट के मेन ऑप्शन में, तो वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए क्रूड वैसे तो दायरे में ही फंसा हुआ है दिसंबर से, और काफी मिक्स फंडामेंटल्स के चलते मैं समझता हूँ कि जो रेंज है वही बनी रहेगी कुछ और समय तक, लेकिन ये हो सकता है कि हम इस दायरे के ऊपरी छोर को छू पाए। यानी हमने देखा था कि पिछले हफ्ते 6,150 से 6,200 बोला हुआ था जी, ये हो सकता है कि हम 6,500 से 6,530 के रीजन को छू पाएं। इसके चलते मैं 6,320 के स्टॉप के साथ मैं 6,390 पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। ऑप्शन ट्रेडर्स जो हैं वो 6,500 का कॉल लेके चल सकते हैं 150 के आसपास, या माफ कीजिएगा 130 के आसपास, 90 के नीचे का स्टॉप होगा, और 230 का एक टारगेट लेके चला सकता है 6,500 के कॉल के। यानी दोनों ऑप्शन आपके पास है, या फिर तो आप फ्यूचर्स में खरीद के जाएं, या फिर 6,500 के स्ट्राइक की ऑप्शन यहां पर आप खरीद सकते हैं। चलिए अब जतिन, आपकी कॉल क्या है क्रूड पे और एनजी पे, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? मॉर्निंग विश्वमोहन जी, देखिए एनर्जी स्पैक जो है वो अभी थोड़ा सा पॉजिटिविटी का रुझान जो है और कंटिन्यू कर सकते हैं, जिस तरह से बाइंग मोमेंटम जो देखने मिला है दोनों ही एसेट्स में, मुझे लग रहा है एनर्जी पैक दोनों ही परफॉर्म करनी चाहिए आगे चलते हुए। एनजी की मैं बात कर लूँ तो अच्छी खासी फॉर्मेशन बनने के बाद पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया है एनजी ने। 220 और 222 रेंज जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन प्ले करते हुए देखने मिल रहे हैं एनजी के अंदर, तो छोटी मोटी डिप आ जाती है 228 के आसपास की, तो वहां पर पूरे एंट्री ले सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस जो है 222 के नीचे बनाकर रखें, और 240 के लक्ष्य जो है मुझे लग रहे हैं आने वाले दिनों में आने चाहिए। जिनको रिस्क कम लेना है उनके लिए सलाह रहेगी कि 220 का जो कॉल ऑप्शन है इन द मनी वाला, उसको ले सकते हैं। जो अभी 21 से 22 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो ये 20 रुपए के आसपास उसको भी बाय कर सकते हैं। हायर साइड पे 28 से 33 का टारगेट रखें और स्टॉप लॉस जो है 15 के नीचे रखें। तो ऑप्शंस के माध्यम से और फ्यूचर्स के माध्यम से दोनों ही रिकमेंडेशन दी है मैंने नेचुरल गैस के अंदर। साथ ही साथ में क्रूड के अंदर अगर हम बात कर लें तो लेवल स्पेसिफिकली देखें तो बड़ी रेंज जो है इसके अंदर एक साइडवेज वॉलेटाइल रेंज है। पिछले 3 महीने से ये जो क्रूड है
6000 के लेवल्स रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है लोअर साइड पे, और हायर साइड पे 6700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। तो अभी हम एक मध्यम लेवल पे हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे देखे तो कल की जो ट्रेंड रही है इवनिंग सेशन में पॉजिटिव की रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा और ट्रेंड बेस्ड जो रैली है वो देखने मिलना चाहिए। हायर साइड पे 6500 से लेके 6520 के लेवल्स आने चाहिए आज के दिन में इंट्राडे में, और जो स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग का वो रहेगा 6380 के नीचे का, और 6430 6425 के आसपास जरूर बाय करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल को। फूड और एनर्जी को लेकर ये व्यू है, लेकिन बुलियन मार्केट को लेकर क्या व्यू है और मेटल को लेकर वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पाइसेस का एक आउटलुक ले लेते हैं। हमारे साथ अश्विन नायक साहब हैं, फाउंडिंग चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स के। अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सबसे पहले कोरिएंडर की बात कर लेते हैं, काफ़ी गिरावट आ चुकी है, हाजिर में देखें तो महीने भर में 15% से ज़्यादा की गिरावट, वायदा में भी दाम 10% से ज़्यादा महीने भर में दिख चुकी है गिरावट। क्या लग रहा है और कितनी गिरावट की संभावना यहाँ से दिख रही है, ग्राउंड की स्थिति क्या है, किस तरह के उत्पादन के नंबर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इस बार? नमस्कार सर, एक्चुअली धनिया जो है शुरुआत में गुजरात का माल आता है और गुजरात में फार्मर माल हमेशा जल्दी लेके आ जाता है, तो अराइवल का प्रेशर काफी बना होने के कारण बाजार काफी नीचे ऑलरेडी आ चुका है। मेरे हिसाब से अभी जो रेट चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट बॉटम की तरफ ही है और इससे ज्यादा नीचे जाने का मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। उत्पादन के नंबर को लेकर कुछ अपडेट देना चाहेंगे, किस तरह के उत्पादन के नंबर और कहाँ से ज्यादा ये मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, गुजरात एमपी कौन लीड कर सकता है इस बार कोरिएंडर में? उत्पादन के जो नंबर है सर वो हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स का आज से बॉम्बे में एक अधिवेशन शुरू होने जा रहा है होटल लीला में आज और कल, तो कल शाम को हम लोग धनिया और जीरा दोनों के जो उत्पादन के नंबर है फेडरेशन के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के थ्रू हमने जो सर्वे करवाया है वो सब डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जो पहले एक आध सेमिनार हुआ था राजस्थान में या फिर जो ट्रेडरों से मिल रहा है, सबको पता ही है कि धनिया की क्रॉप ये साल ज्यादा है सर। और ये कैरी ओवर स्टॉक किस तरह के हैं सर इस बार? कैरी ओवर स्टॉक धनिया में इस साल काफी लोएस्ट है, मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल का लोएस्ट कैरी ओवर है, तो कैरी ओवर इतना ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है। सर जीरे को लेकर क्या स्थिति बन रही है, जीरा काफी गिर गया है, वायदा में 30,000 के नीचे आ गया है, क्या लग रहा है अब यहाँ से डिमांड बढ़ने वाली है और क्या हो रहा है, इतना क्यों गिर गया अचानक से, 7-8 हज़ार रुपए आ चुके हैं हाल के हाई से? जीरे में भी सर यही है, अराइवल का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि एकदम लाइफ टाइम हाई प्राइस चल रहे हैं, तो फार्मर माल जल्दी ला रहे हैं मंडी के अंदर, उसके अलावा जो गर्मी है उसके कारण भी माल जल्दी सूख के तैयार हो जाते हैं, तो वो अराइवल भी ज्यादा हो रही है, तो अराइवल का प्रेशर एकदम थोड़ा ज्यादा बनने से और प्राइस एकदम लाइफ टाइम हाई चलने की वजह से थोड़ा डिमांड के ऊपर भी इफेक्ट आया है, तो इसीलिए बाजार अभी नीचे आए हैं, लेकिन जीरा के फंडामेंटल ओवरऑल पूरे स्टॉल के लिए एकदम स्ट्रांग ही है। ओके, यानी जीरे के फंडामेंटल्स मजबूत है लेकिन धनिया सबको पता है जैसे कि इस बार उत्पादन बम्पर रहने वाला है, लेकिन कॉन्क्रीट रिपोर्ट किस तरह की होगी फिस के सेमिनार से जब निकल के आएगा तो वो पूरा डेटा हम आपको सोमवार को दिखाएंगे कि जीरा और धनिया के उत्पादन को लेकर किस तरह के नंबर्स वहां से निकल कर आ रहे हैं, क्या अनुमान निकल कर आ रहे हैं। शुक्रिया अश्विन जी समय निकालने के लिए। अब तरुण जी मसालों को लेकर आपका अनुमान क्या है, आप ओरिगो की तरफ से आप लोगों को किस तरह की उम्मीद है धनिया के उत्पादन को लेकर और जीरे के उत्पादन को लेकर? हाय गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी, आई थिंक बारिंग चिली रिमेनिंग जो कमोडिटीज है स्पाइसेस के अंदर वो बियर के ग्रिप में और हमने काफी अच्छा करेक्शन देखा है। जीरा की बात करें तो हमको लगता है कि इस बार जीरा लास्ट ईयर से अच्छा प्रोडक्शन होगा, लास्ट ईयर 65 लाख बैग का प्रोडक्शन था जो कि उससे प्रायर ईयर में 90 लाख बैग्स था, अभी दो फसल लास्ट ईयर से ज्यादा है लेकिन अगर हम बात करें 2 साल पहले से अभी भी कम है और कैरी स्टॉक बिल्कुल नील है, दैट इज अ सपोर्टिव फैक्टर, बट हमारा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन 75 लाख बैग का होगा जीरा का। एंड बात करते हैं जैसे कि अभी मेरे कलीग ने भी कहा अराइवल प्रेशर बहुत हाई है, कोई भी है ना बस को मिस नहीं करना चाहता क्योंकि जो 24 से 37 38,000 का प्राइस मूव हुआ वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल नहीं था और यही कारण है मार्केट मीन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। हमको ऐसा लगता है जीरा में करेक्शन कंटिन्यू करेगा, अराइवल पोस्ट होली और बढ़ेगा एंड प्राइसेस ग्रेजुअली 25,000 के आसपास आ जाएंगे बिफोर फॉर्मिंग अ बेस। धनिया में देखिए पेसिमिज्म प्रीटी मच ऑन है, आई थिंक 6,500 से 6,000 के प्राइस आएंगे
प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, साइमल्टेनियसली अराइवल प्रेशर बहुत मंडी में ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी करेक्शन आएगा। टर्मरिक थर्ड काउंटर है जिसमें भी फर्दर करेक्शन का पोटेंशियल है, 6500 वी आर आई ऑन डाउन साइड। इवन आप देखिए लास्ट 3-4 डेज का रिएक्शन प्राइस में रिकवरी आई लेकिन टिक नहीं पाई। ओके, यानी यहाँ से बिकवाली की संभावना ज्यादा लग रही है आपको धनिया और जीरे में। सर धनिया के उत्पादन को लेकर आप बता रहे थे, तो आप लोगों का क्या अनुमान है, ओरियो के जो एस्टिमेट्स होंगे वो क्या कह रहे हैं? सी जैसा मैंने अभी कहा 75 लाख बैग्स का प्रोडक्शन होगा, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10 लाख बैग्स ज्यादा है, तो सर्टेनली दैट विल ईज द सप्लाई वरी इन द मार्केट एंड दैट इज व्हाई प्राइसेस आर एक्चुअली कमिंग डाउन एंड ट्राई टू एक्चुअली रिवर्टिंग टू द मीन। चलिए अब फटाफट से सर छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, तरुण जी आपसे एग्री मार्केट पे फटाफट बात कर लेते हैं, फिर नॉन एग्री मार्केट का भी रुख करेंगे। मस्टर्ड की बात कर लेते हैं, कई मंडियों में एमएसपी के नीचे भी भाव आ चुका है, कहीं कहीं एमएसपी के ऊपर है, 5500 के आसपास भाव आ चुके हैं, 5450 का एमएसपी है, 2 महीने में 20% तक की गिरावट आ चुकी है, क्या सरसों में और भी गिरावट की संभावना लग रही है? छोटा जवाब सर। सी अभी जो अराइवल्स हो रहे हैं उनमें हाई मॉइस्चर कंटेंट है जिसकी वजह से हम देखा है कि प्राइसेस अभी एमएसपी या उसके आसपास है, अच्छे क्वालिटी का प्राइस अभी भी 5600 पर ओवर कर रहा है। कैरी ओवर स्टॉक ह्यूज है, 2.5 MMT प्रोडक्शन इस साल का 12 MMT है, तो और सोयाबीन का सप्लाई बहुत ज्यादा है, इन टोटलिटी हायर सप्लाई के चलते इसके अंदर करेक्शन है। आई थिंक बेस बनेगा 5000 के आसपास लेकिन अभी करेक्शन शॉर्ट टर्म में फर्दर गहराएगा। क्या लग रहा है सर किस तरह के उत्पादन के जो सरकार के तो जो ये लक्ष्य है कि हम 1120 लाख टन उत्पादन का, ये तो संभव नहीं लग रहा है, आप लोगों का नया एस्टीमेट क्या है? सी स्टिल टू अर्ली टू से, मार्च का जो टेम्परेचर है डेट विल डिसाइड कैसा क्रॉप होगा, स्पेशली पंजाब हरियाणा एंड यूपी। देखिए मैच्योरिटी के टाइम तक 30 से 35 तक का टेम्परेचर वीट विदस्टैंड कर सकता है, 35 से ऊपर जाएगा देन देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड मैं IMD का मार्च का फॉरकास्ट देख रहा था, बारिंग फ्यू डेज टेम्परेचर बिलो 35 रहने वाला है और काफी दे ऐसे भी है जहाँ 16 से 28 के बीच में टेम्परेचर रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट ईयर से तो क्रॉप अच्छा हुआ, लास्ट ईयर 96.8 MMT था, दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग 105 MMT, तो कहीं ना कहीं 105 से 110 के बीच में प्रोडक्शन होना तय है। और अभी भी टू अर्ली टू से, हम 2 वीक और देखेंगे देन रिव्यू करेंगे, बट देयर इज नो वरी, सप्लाई साइड इस बार टाइट नहीं रहेगी और अगर ऐसा कुछ फियर होता तो प्राइस 2400 पर नहीं होते, दोबारा 3000 को क्रॉस कर जाते। नहीं अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इस बार सप्लाई की चिंता नहीं है और अर्ली है बहुत ज्यादा, इसलिए कि बहुत सारे अराइवल भी अब कई जगह पर शुरू हो चुके हैं, इस बार उत्पादन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अब चलिए फटाफट से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं, जतिन जी गोल्ड और सिल्वर पर फटाफट से आज कॉल दे दीजिए अपना। विश्वजी दोनों कमोडिटीज जो है बुलियंस की थोड़ी सी रिबाउंड कर सकती है, जिस तरह से सेलिंग जो है ऑब्जर्व हो चुका है पिछले 10 दिन में अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है, मुझे लग रहा है यहाँ से बाइंग मोमेंटम जो देखने मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। सिल्वर के अंदर जो है वो रिकमेंडेशन दूंगा मैं 64,300 से 64,400 के आसपास बाय करके चले, 64,000 के नीचे एक स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी फॉलो करना है, इंट्राडे पर्पस से कॉल रहेगा ये, और हायर साइड मुझे लग रहा है 64,800 के टारगेट्स के लिए सिल्वर के अंदर बेट्स अच्छी रहेगी, क्योंकि बेस मेटल्स जो है थोड़े बहुत स्टेबल है आज और साथ ही साथ गोल्ड का भी सपोर्ट रहना चाहिए, तो सिल्वर के अंदर बाइंग मोमेंटम देखने मिल सकती है आज के दिन। अमित जी छोटा जवाब दीजिएगा, गोल्ड और सिल्वर इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए? जी शॉर्ट टर्म बेसिस मेरी भी बाइंग की सलाह होगी, मेरा मानना है कि गोल्ड जो रिसेंट हाई था 56,020 के करीब उसको ब्रीच कर पाएगा, 56,150 के लक्ष्य के लिए 55,700 से 55,650 के बीच बाय किया जा सकता है गोल्ड। सिमिलरली चांदी 64,200 पे बाय करके 65,200 से 65,300 का लक्ष्य होगा। सिल्वर दोनों ही खरीदारी की सलाह अमित जी की तरफ से। अमित जी बेस मेटल्स में क्या टॉपिक है आज? देखिए बेस मेटल से मुझे लगता है जो कल और परसों हमने कॉपर और जिंक में करेक्शन देखी थी वो जारी रह सकती है, तो मैं कॉपर में उछाल पे बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा 769-770 के रीजन में, तो मेरा मानना है कि ये जो फॉल है वो 760 के करीब लेके जा सकता है प्राइजेस को। सिमिलरली जिंक में भी करीबन 271 पे बिकवाली की सलाह होगी और 267 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। कॉपर और जिंक दो बिकवाली की सलाह है, आप सहमत है जतिन, आपको भी लग रहा है कि कॉपर बेचकर जाना चाहिए आज? डेफिनेटली विश्वमोहन जी, मैं और अमित, मेरे और अमित की सलाह ज्यादा करके हम लोग की मैच करती है, हम लोग दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते फिर भी आप देख लेंगे हमारी व्यूज जो कॉल्स जो हमेशा मैच करती रहेगी आप देखेंगे,
90% ऑफ द टाइम। तो आज जैसे हमने गोल्ड और सिल्वर बाइंग कॉल दिया है, कॉपर में मेरा सेलिंग का कॉल रहेगा 768 के आसपास के लक्ष्य मुझे भी लग रहे हैं, सेलिंग के अच्छे लिए अच्छे हैं, वही मेरा लेवल है सेलिंग का। 775 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और 755 के आसपास टारगेट रखें, 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट रहेगा मेरे। तरुण जी, आप भी कॉपर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्या आप सहमत है दोनों एक्सपर्ट से, सेल करके जाना चाहिए कॉपर को? या सर्टेनली, लास्ट वीक भी मेरा कहना था 760 के नीचे अगर कॉपर क्लोज देगा तो ये मीडियम टर्म के लिए बियरिश हो जाएगा, और हमने देखा कि फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को 760 के नीचे प्राइस गए और 750 तक आए। अभी आई थिंक जब तक 790 के ऊपर क्लोज नहीं देंगे कॉपर में, मीडियम टर्म में करेक्टिव वेव कंटिन्यू रहेगा। मैं भी 770 या उसके इर्द गिर्द प्राइस मिलते हैं शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा 786 का, बट मेरा टारगेट भी थोड़ा एक्सटेंडेड रहेगा, प्रॉब्ली 725 on downside। यानी तीनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि कॉपर बेच कर जाना चाहिए, लेकिन जो भी स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं उसे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया तरुण जी आपका, अमित जी आपका, जतिन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि बाजार इक्विटी मार्केट डे हाई पे है, निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है, किस तरह का एक्शन वायदा बाजार में है पूरा एक्शन लेकर आएंगे इफ इनो जंक्शन में, देखिए बात।